हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू ऑल आर वर्किंग आउट। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो कुछ तो करो, चालू फिट रहना है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद टुडेज वर्कआउट विल बी चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप। अब वर्कआउट तो हमने परसों लिखा था, अगर आपने वीडियोज नहीं देखे तो थोड़ा पीछे जाके देख लो एंड आई विल शो यू द वर्कआउट। उसके बाद हम वर्कआउट चालू करेंगे। लेट्स Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. अमेजिंग वर्कआउट। मुझे बस एक बात करनी थी आप लोगों से कि जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, या फिर जिम में जा रहे हो और खुद के बॉडी पे काम कर रहे हो, ट्रेनर्स बार बार मत बदलो, लाइक स्टिक टू वन पर्सन। क्योंकि ये गलती मैंने की थी, मैं एक साथ 3 से 4 लोगों के एक ओपिनियंस ले रहा था और उन्हीं ओपिनियंस को मिक्स करके कुछ तो ऐसे अलग ही कर रहा था। उसके वजह से मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स इन द सेंस मेरी बॉडी चेंजेस नहीं कर रही थी। लाइक एक बंदा मुझे कहता था कि ये डाइट करो, एक बंदा कहता था अरे सब खाओ, पिज़्ज़ा वगैरह खाओ, फिर भी बॉडी बनती है। अब उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था, मैंने मेरी खुद की कुछ स्टडी नहीं थी, मेरा खुद का कुछ दिमाग नहीं था इस फील्ड में। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई बिगिनर हो, इनकेस
या फिर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो उसके वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डू वॉट यू फील गुड, लाइक डू वॉट यू एन्जॉय, वर्कआउट में भी लिफ्ट हैवी, और स्टिक टू सिंगल पर्सन, और स्टिक टू अ प्लान, एक प्लान आउट करो कि क्या करना है, और ये अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे ना तो आई गारंटी यू कि आपकी बॉडी चेंजेस देगी ही, आप ट्रांसफॉर्म करोगे नो मैटर वॉट. जस्ट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के बिना नहीं होती है. सो एज यू नो, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कमेंट रीडिंग सेगमेंट. सो लेट्स रीड द कमेंट. और अब क्या होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है कि आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट, क्योंकि मेरी मॉम कह रही थी कल कि अभी तो ठीक है 10-12 कमेंट आते हैं तो पढ़ लेगा, इन केस ज़्यादा आने लग गए तो क्या करें. अब मुझे पता है कि अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं आ रहे, बट स्टिल आदत मैं नहीं लगाना चाहता अपने लोगों को कि हर एक की कमेंट रीड कर रहा हूँ, ताकि कल जाके एक भी कमेंट मिस हो तो उनको बुरा ना लगे. सो विल बी रीडिंग फेवरेट कमेंट. सो फेवरेट कमेंट था लाइक वर्कआउट के दिन का, पाय शाबूत आहेत का, तुला बघून माझ्या पायात गोळा आला रे, बाय द वे वेल डन, गुड गोइंग बॉय, रिअली एक्साइटेड फॉर युअर टुमोरोज व्हिडिओ, थँक यू. अँड पाय शाबूत आहेत, दुखले काल खूप, बट आहे म्हणजे जिवंत आहे मी अजून. सो दॅट्स इट फॉर टुडेज व्हिडिओ गाईज, थँक्यू फॉर वॉचिंग, टेक केअर, बाय बाय.